और कुछ नहीं देख रहे हैं।
तो चलिए तरह से ये आज का अंतिम मुकाबला आदित्य स्पोर्टिंग और बामन धुमरी की टीम के साथ और इन दो टीमों की बात करें तो ये दो टीम चाहे झारखंड हो चाहे बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो इस तरह के लाखों के टूर्नामेंट में हमेशा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फिलहाल इस समय एक बड़ा रुका मुकाबला इस समय एक तरफ पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र की टीम और एक पश्चिमी सिंहभूम प्रधान पोराहाट क्षेत्र की टीम सालू जबरदस्त प्रयास सॉरी कृष्णा कृष्णा बोल रहा इंसानों की रफ्तार इतनी होती है कि हमें भी कॉमेंट्री करते हुए थोड़ी सी आश्चर्य होती है। आजू बोलिए कि बहुत से खिलाड़ी है इन सबों का पास इन सबों का ड्रिलिंग इन सबों का स्किल कितने जबरदस्त होते हैं कि विकासशील टीम को समझना ही मुश्किल हो जाता है। नंबर छह बेहतरीन शॉट आप थोड़ी सी दिखाएंगे ये नंबर छह जो कि मैच दर मैच एक जबरदस्त गोल के जरिए अपनी टीम को इस मुकाम तक लाने में एक अहम योगदान भी है जिसका नाम है मधु शर्मा। और आदित्य स्पोर्टिंग की बात की जाए तो ये जमशेदपुर लीग में अपना परचम लहरा चुके हैं ये सभी खिलाड़ी तो इस टूर्नामेंट के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी अच्छे अच्छे टीम एक ही स्टेडियम बारह जिलों पर खेलने की इच्छुक जाहिर की है और अंतिम मुकाबले तक इस टूर्नामेंट में अपने आप को बना के रहने हुए हैं। ये दोनों टीमों को कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 11 और बहुत काल के टीम मैनेजर से कैप्टन आप कमेटी मंच के समक्ष चले आएंगे बहुत बहुत बधाई आप टीम ने क्वार्टर फाइनल तक समझ ली है। और कमेटी मंच से अपनी गुरु कमेटी परिवार को भरपूर सहयोग दिए हैं। नंबर 9 छोटे लाल के लिए छोटे लाल ने लालू के लिए सरका दिए और थोड़ी सी गलत पास और थ्रोइंग का मौका मिलेगा इस समय आदित्य स्पोर्टिंग को। नंबर
ये दो दिग्गज टीम एक तरफ है आदित्य छोटी, दूसरी तरफ है बामिया डुगरी। दोनों ही टीमों में बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी हुई थी। अब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस वक्त कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और ये गजब कसौट नबी कुल शॉट नींता है वही मैम तो फोन मैम तो सुना तो ना नहीं हाल दिन तक जगह पर डालना हाँ स्कोर नहीं हो रहा और इस दोनों टीम की बात करें तो अपने अपने सिर पर जो हिंदी को पछाड़ कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जो कि ग्रुप सी से जबरदस्त नतीजे पर लात खड़ा करना होगा क्योंकि अब तक देखा जाए बामे डुगरी की टीम में पूरा खाला खाला नंबर 6 और नंबर 9 जो कि इस तरह के मौके को घुराने में कामयाब हुए हैं। तो इस समय हावी होता हुआ आदित्य शूटिंग पर मामे डुगरी की टीम और अच्छी स्किल का नजर आप पेश करता हुआ छोटे नाम में तो वो टीम से और नंबर 4 अपने साथी खिलाड़ी को अच्छा पास देता हुआ पूरा पाटिल मिलता हुआ इस समय आदित्य शूटिंग को दोनों ही टीमों की ओर से स्किल के बदले स्किल और अटैक के बदले अटैकिंग का मुझे पेश करता हूं इस समय सरदार केंद्र में टिकटॉक की तरफ से मेलो के साथ आया हुआ है यंग स्टार टैलेंट से बड़ा चिर तक चलिए यह अंतिम खेलों का मैच चलता हुआ इस समय आदित्य छोटी और बामे डुगरी की ओर से
कृष्णा बोधरा और सही नियंत्रण नहीं रख पाए अपने कंधे में गेंद को। एक बार फिर कृष्णा बोधरा नंबर 9 अच्छा पास इस समय महेश के लिए निकाला और ये जबरदस्त मार कपूर बैठा हुआ है और ये खेल में अंतिम अंतिम छह खेल और ये गलत कर रहे हैं समय छोटे लाल कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बढ़त साबित हो सकती है अपने टीम के लिए। टिकटॉक से गोल से पूछे अभी अभी गोल कर दिया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बचे हुए कुछ समय में ये देखना होगा पीएच वालेलूर की टीम वापसी कर पाते हैं या नहीं। हाँ मैडम भाई और ये आक्रमण पे आक्रमण और किसी तरह बचाने में कामयाब इस समय वामी डोंगरी की टीम पूरी समय और यामी के लगभग समाप्ति के आधार पर नंबर 4 महेश के लिए मुनिया पास और सरकार ने सुंदर पास और गोल को कंट्रोल करने की कोशिश तो चलिए इस तरह से